हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनाली और आज का हमारा वीडियो है सीटेट सॉल्व पेपर क्लास 1 to 5 पेपर फर्स्ट हिंदी भाषा फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं मेरे कुछ और भी कोर्सेज जो कि मैंने अनअकैडमी पे बनाए हुए हैं, जो कि पूरा टोटली फ्री है। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक लिंक मिल जाएगी और उसके थ्रू आप हर एक चैप्टर हर एक लेसन वहाँ पे देख सकते हैं। फिजिक्स का आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे वहाँ पे और हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो जरूर से देखिए, लोगों को बताइए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हर संडे मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, तो टेस्ट के पेपर के लिए जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसको डाउनलोड करने के लिए आप कंटिन्यू कम्युनिटी पोस्ट के साथ बने रहा कीजिए, क्योंकि मैं पर डे पोस्ट करके बताता हूँ कि इस संडे को आपका कौन सा टेस्ट होना है। साथ ही साथ आप मुझसे और भी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा उस टेस्ट पेपर का। और आप स्पेशली मेरे साथ जुड़ जाइए फेसबुक और टेलीग्राम के साथ, ताकि मैं आपको PDF हर संडे आपके एग्जाम की प्रोवाइड करा सकूं। तो पहला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो इसका राइट ऑप्शन है 4, प्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने में प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षण को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देता है, खेल में आनंद आता है या खेल में शारीरिक विकास होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना या प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, प्रश्नों के उत्तर सरलता से। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियाँ हो जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो इसका राइट हो ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए जो बच्चों को खुद से कुछ सीखने के अवसर प्रदान करें। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चे की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, प्रश्नों के उत्तर पूछना। प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछने के बजाय यदि किसी विषय पर चर्चा करें, बच्चों की बात को धैर्य से सुने या अपनी बात को कहने का पूरा मौका दे, तो इससे उनके मौखिक कौशल विकास होंगे। प्रश्नों के उत्तर पूछना ये महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। भाषाई कौशल के सौंदर्य में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं या भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल को हम एक साथ या कैसे भी सीख सकते हैं, उसका कोई क्रम नहीं होता। भाषा होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटि सीखने सिखाने के प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां स्थाई होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थाई होती हैं या भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थाई हैं। सिर्फ भाषा ही नहीं, हम कुछ भी नया सीखें तो उसमें त्रुटियां स्थाई होती ही हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुति लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता?
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, बच्चों के द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। यदि बच्चे में ये कौशल हो कि वो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता करता है, तो यही एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में सतत और व्यापक आकलन होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में प्राथमिक बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों के द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना या बच्चों की रचनात्मकता का विकास? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चों की भाषाई पूंजी या मानक स्वरूप लिए होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री, बच्चे की भाषाई पूंजी है, क्योंकि यही बच्चे सीखे, बच्चों को यही भाषाएं आती हैं, इसीलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनके घर की भाषा पे एक अच्छे पे ध्यान देना जरूरी होता है, ताकि वो उन बातों को आसानी से समझ सके। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त कर रखना या कॉपियां भरवाना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, सीखने को विस्तार देना। यदि गृह कार्य देने से उन्हें अभ्यास होगा और अभ्यास से ही लोग सीखते हैं, तो यहाँ पर सीखने का विस्तार ही होगा। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ गृह की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है या भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है या प्राथमिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो फ्रेंड्स, ये कथन ऑप्शन फर्स्ट ये सही नहीं है। भाषा विकास के संदर्भ में बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है तथा प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक नहीं होती है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, यह कथन भाषा विकास के लिए गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब फ्रेंड्स, बाकी के 106 से 120 के प्रश्न इस गद्यांश से आधारित होंगे, तो चलिए पहले ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है, मतलब सारा संसार नीले गगन मतलब नीला आसमान के नीचे ही अनंत काल से बहुत पहले से रहता आ रहा है। हम थोड़ी दूर पर देखते हैं कि क्षितिज तक, क्षितिज वो होता है जहाँ आकाश और समुद्र मिलते हुए दिखाई देते हैं। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है। जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो क्षितिज हमसे आगे चलता जाता है। जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे, और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरे को उसके जीने का हक से वंचित कर दें।
यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीने जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए। वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाता है। उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ी अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो ये था हमारा गद्यांश। अब चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, क्षितिज किसे कहते हैं? तो जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ धरती दिखाई पड़ती है या जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं, ये तो हो गया था, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे के बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री, उसकी सीमा नहीं है। और छोर, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसका उसकी सीमा नहीं है। फिट और इंसान शब्द है, देशज, आगत, तत्सम या तद्भव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन टू, आगत। फिट और इंसान आगत शब्द है। बर्नार्ड शाह ने जीवन की उपमा किससे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से या क्षितिज से? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, जैसे कि हमने पढ़ा था बर्नार्ड शाह ने जीवन को खुली पुस्तक से कंपेयर किया है, खुली पुस्तक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, किसी के जीने का अधिकार नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, किसी को जीने का अधिकार। जैसे ये कथन बर्नार्ड शाह का ही है कि उन्होंने बोला था किसी को जीने का अधिकार नहीं देना, यह बहुत बड़ा अन्याय होता है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए। मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, जीने का हक है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। आसमान हमें दिलाता है रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन या भयभीत न करने का आग्रह। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, भय से छुटकारा करने का आश्वासन। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? भय, जीवन, स्वभाव, प्रकृति। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, अपराध शब्द है, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो अपराध शब्द है भाववाचक संज्ञा, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा सही। अब आता है गद्यांश टू। इसमें इस गद्यांश को पढ़ के ही आगे के क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए पहले ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। चींटियां इशालू नहीं होती, दौड़ती भागती दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वह जहाँ कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले। संकेतों में करती हैं वे शब्द संध्यान, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे। बिखरती हैं कभी कभार में मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं, वे पूर्वज द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। मतलब चींटियां ईशायु नहीं होती है, मतलब ईशायु मतलब ईर्ष्या करने वाली नहीं होती, वो दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती रहती हैं। थर्ड, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले। संकेतों में करती हैं, मतलब ये लोग संकेतों में बातें करते हैं। वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती, ये लोग रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृतियों में रखती हैं संजोकर और दोस्त और दुश्मन के चेहरे। ये लोग अपने स्मृतियों में दोस्त तो दुश्मन के चेहरे संजोकर रखती हैं। और बिखरती हैं कभी कभार
वे मगर हर बार नए सिरे से डिट होती हैं। अगर वो लोग बिखर भी जाती हैं तो हर बार अगर वो लोग गिर जाती हैं या कहीं रुक जाती हैं तो वो लोग नए सिरे से शुरू करती हैं। वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए कि और चींटियों में ये खासियत होती है कि वो गंध पहचानती हैं। अगर वो चल अगर उनका कोई साथी या उनके पूर्वज जहाँ चले वहाँ गंध छोड़ दें तो वो उसी गंध को लेते लेते उस रास्ते पर पहुँच जाती हैं। चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं? छूकर, बोलकर, संदेशों से या संकेतों से? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, संकेतों से। जैसे यहाँ लिखा भी है कि संकेतों में करती हैं वे शब्द संतान रसनी भूलती। इश्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला या कुछ भी न चाहने वाला? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, दूसरों से जलने वाला। इश्यालु, इश्यालु मतलब होता है जलना यानी इच्छा करना। चींटियों के स्वभाव में नहीं है इच्छा करना, संदेश पहुँचाना, दौड़ भाग करना या जीवन को परखना। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, चींटियों के स्वभाव में इच्छा करना नहीं है। बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों के गन से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से या शत्रुओं की चुनौतियों से? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, पूर्वजों के गंज से। मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, याद रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, याद रखती हैं। काव्यांश में मगर का अर्थ है केवल, परंतु, मगरमच्छ या घड़ियाल? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, मगर का अर्थ होगा परंतु, परंतु इस काव्यांश में मगर का अर्थ परंतु है। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए। इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हिंदी में और भी वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक।